हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? फाइनेंशियल प्लान के लिए। इन जनरल सेंस इट इज रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ओके, जितना कि इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, उसका जो टोटल अमाउंट है, मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसे बोल दिया जाता है कैपिटलाइजेशन, जनरल सेंस। तो अगर देखें अकॉर्डिंग टू अ व्यू पॉइंट, क्या डिफाइन किया है, कैपिटलाइजेशन मीन्स दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स, एंड द इशूड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। इन दिस सेंस कैपिटलाइजेशन इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स ओनली। ठीक है, क्या क्या शामिल किया? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। बट क्योंकि यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं लिया गया है, तो वी कांट फाइंड आउट ओवरऑल कैपिटलाइजेशन। वेयर, अच्छा देखिए, वेयर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस इज यूज्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय मैनेजर्स। सो जो डेफिनेशन डिफाइंड करेगी, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोनविले एंड डेविल, कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग। देखें, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कैपिटलाइजेशन को। नाउ टेक एन एग्जांपल, देखिए दिस इज द बैलेंस शीट। कैपिटल हमने समझ लिया ना, तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड, लायबिलिटी साइड होती है ना कैपिटल। सो देखिए, यहाँ हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन कैसे डिटरमिन करनी है। तो लायबिलिटी साइड में देखें, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए गए हैं, करंट लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। तो सबसे पहले चले शेयर कैपिटल का को भी कंप्यूट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कितनी है? 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2,50,000। टोटल कितना हो गया? 8,50,000। ठीक है, तो ये है शेयर कैपिटल। अभी कैपिटलाइजेशन देखेंगे। ये समझ लो भाई, ये स्टेटमेंट समझ लीजिए कि देखें क्या क्या दिया गया है लायबिलिटीज में। तो कंप्यूट करें कैपिटलाइजेशन, देखें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिए गए हैं। सो एड इन कैपिटल सरप्लस दिया गया है, देखें 40,000। रिटेन्ड अर्निंग्स दी गई हैं 3 लाख। तो टोटल कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 13,90,000।
ओके नाउ कैपिटलाइजेशन के लिए फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे आप. कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एनुअल अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटलाइजेशन. तो देखिए हमें रेट कैसे फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ आर कंपनी इज 20 लैक्स. मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है 20 लैक्स एंड एवरेज एनुअल इनकम क्या है 1,60,000. एवरेज एनुअल इनकम मार्केट प्राइस क्या है 20 लाख और एवरेज एनुअल इनकम क्या है 1,60,000. तो देखें एवरेज एनुअल इनकम एवरेज बोल रहे हैं हम एवरेज, ठीक है ना. एनुअल जितना हुआ है उसका एवरेज लेना होता है हमें. 1,60,000 अपॉन हम कहेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है. 1,60,000 अपॉन 20 लैक्स इंटू 100. तो यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 8%. ओके देखें 8% कैसे कैलकुलेट किया है. एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं. द एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज 5 लैक्स. सिमिलर कंपनीज आर अर्निंग 12% रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड. तो बोला गया है कि अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बताइए. रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 12%. यहाँ हमें कैपिटलाइजेशन बताना है जबकि एनुअल इनकम दे दिया गया है और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है. तो 5 लैक्स एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय हम बोलेंगे 8 1/3 times means annual income upon rate of return. तो यहाँ से आपके पास capitalization आ जाएगी. Okay, this is all. Thank you.